व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है संजय और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Xiaomi Max 2 की। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसका रैपर निकाल देता हूँ जिससे कि हमें इस बॉक्स को ओपन कर पाएंगे। तो इसके अंदर हमें एक और बॉक्स मिलता है जिसे स्लाइड करके हमें ओपन करना होगा। तो बॉक्स का कलर काफ़ी अच्छा है, वाइट है और मुझे इन स्टिकर्स को निकालना पड़ेगा। और ये रहा हमारा Max 2 काफ़ी बड़ा फ़ोन है। इवन इसमें 16.4 सेंटीमीटर का फुल HD डिस्प्ले है जो कि काफ़ी अच्छा है। मैनुअल गाइड की बात करें तो यहाँ पर हमें सिम कार्ड रिमूवर मिल जाता है, साथ में एक नॉर्मल सी यूज़र गाइड भी मिल जाती है। यहाँ पर हमें मिल जाते हैं चार्जर और डेटा केबल वही 1 मीटर लेंथ की है और चार्जर भी नॉर्मल चार्जर ही आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन इसमें USB चार्जिंग नहीं है, इसका चार्जर का टाइप थोड़ा सा अलग है, तो वो भी एक ध्यान देने वाली चीज़ होगी इस स्मार्टफोन में। चलिए मैं इसे साइड में रख देता हूँ और हम फाइनली बात करते हैं Max 2 की। तो ये रहा गाइस Max 2, इसमें है 16.4 सेंटीमीटर का फुल HD डिस्प्ले, साथ में हमें यहाँ पर सबसे बड़ी अभी तक की बैटरी मिल जाती है Xiaomi के फ़ोन्स में जो कि 5300 mAh। हमें यहाँ पर डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये है ब्लैक कलर। साथ में हमें यहाँ पर मिल जाती हैं 4GB और 64GB रैम एंड रोम। तो मैं सारी सेटिंग्स कर देता हूँ फटाफट, रीजन कंट्री और बाकी सारी सेटिंग्स फटाफट हो जाने चाहिए। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम जल्दी से इसके स्पेसिफिकेशन को और अच्छे से देखते हैं। इसमें MIUI है। अगर हम इसके एक्सटर्नल डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी ही अच्छा है गाइस। इसमें हमें पीछे मिलता है मैट फिनिश, साथ में हम देखें तो यहाँ पर कॉर्नर्स भी कर्व्ड हैं। और इसमें एक और स्पेशल चीज़ है जो कि 2.5D कर्व ग्लास जो कि लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है। नीचे अगर हम बात करूँ तो हमें यहाँ पर 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं और चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। एज यूजल इसका टच काफ़ी अच्छा है, इवन ये थोड़ा बहुत टैबलेट के जैसा लगता है क्योंकि स्क्रीन इसकी काफ़ी बड़ी है। अगर हम साइड में बात करें तो हमें यहाँ पर नॉर्मल लॉक बटन और वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, साथ में हमें यहाँ फ्रंट स्क्रीन पर वही 3 बटन्स मिल जाते हैं। अगर हम पीछे बात करें तो हमें यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ में यहाँ पर हमें कैमरा मिल जाता है जो कि है 12 MP और 5 MP, मीन्स 12 MP रियर कैमरा एंड 5 MP फ्रंट कैमरा। ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, ये सब जगह से कर्व्ड एजेस हमें इसमें मिल जाती हैं जो कि इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन और ही अच्छा बनाती हैं। पीछे हमें मिलता है एज यूजुअल मैट फिनिश, तो इसे होल्ड करना काफ़ी अच्छा होता है। साथ में हमें ऊपर यहाँ पर मिल जाता है हेडफोन जैक। तो ये थी गाइस इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात। अगर हम इसके इंटरनल फीचर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, साथ में हमें यहाँ पर मिल जाता है MIUI कस्टम एंड्रॉयड OS इसका। हाँ, साथ में हमें लेटेस्ट वर्जन में मिल जाता है जो कि है MIUI 8। ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, साइज़ इसका बड़ा है लेकिन फिर भी हम इसके फिंगरप्रिंट तक काफ़ी इजीली पहुँच जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।